प्रधानमंत्री जी शाम को 4 बजे शिलान्यास करेंगे अमृत वाटिका का और आजादी के अमृत महोत्सव मेमोरियल का, जो वॉर मेमोरियल के साथ इंडिया गेट पे बनेगा। जहां हम खड़े हैं आज कर्तव्य पथ पर, यह कभी राजपथ कहलाता था, कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता खत्म कर दी, नया संसद भवन बना दिया, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी, कर्तव्य पथ बना दिया और देश के युवाओं को कहा गुलामी की मानसिकता छोड़ दो, विकसित भारत बनाने के लिए अपना कर्तव्य पालन करो और एकता एकजुटता को बनाए रखो। ये संदेश लेके यहाँ से जाएंगे और ये कर्तव्य पथ पे होने वाला है। सर, जो ऐप की आपने बात की माय भारत, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए, देश के करोड़ों युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नई संस्था भी मिल रही है, माई भारत, मेरा युवा भारत। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के करोड़ों युवा ऑनलाइन जुड़ पाएंगे myBharat.gov.in पे, और ये फिर उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में जुड़ पाएंगे, प्रोग्रामेटिक स्किल्स में, लाइफ लर्निंग स्किल्स में, इनमें जुड़ पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं। एक पॉलिटिकल सवाल, इतनी 70 सालों के इस शासन में कभी ऑपोजिशन इस तरह का काम नहीं कर पाया। देखिए, जब राष्ट्र भावना की बात आती है, नया संसद भवन बना, विपक्ष ने बायकॉट किया, किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, वॉर मेमोरियल बना, वो नहीं दिखे, और जब कर्तव्य पथ बना तो उसकी भी आलोचना ही की गई। मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया है, दिलाकर ही छोड़ेंगे, और ये सारे युवा यहीं से संकल्प लेकर जाएंगे।